गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.4 का सिक्स सम करेंगे। नाउ लुक हियर, ए स्कूल स्टार्टेड एट 7:30 AM, इट वर्क्स फॉर 5 hours 30 minutes, एट व्हाट टाइम डज द स्कूल क्लोज। इसका मतलब है एक स्कूल 7:30 AM पर स्टार्ट होता है और 5 hours 30 minutes तक काम करते हैं स्कूल में, तो बताओ वो स्कूल क्लोज कब होता है। उसके लिए नाउ हम इनको करेंगे, ऐड करेंगे। देखो ये 7:30 AM है, इस पर स्टार्ट होता है स्कूल, 5 hours 30 minutes चलता है वो स्कूल, 30 minutes पहले ऐड कर लेंगे इसमें हम, सबसे पहले इसमें, उसके बाद 30 minutes ऐड करने पर कितना आ गया 8 AM, फिर 5 hours और प्लस करेंगे इसमें 5 hours, नाउ वी गेट 1 PM, 1 PM पर ये स्कूल क्लोज होता है, द स्कूल क्लोज एट 1 PM। नाउ कम टू द सेवंथ सम, मयंक गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एट 6:15 AM एंड कम बैक एट 7:45 AM, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन मॉर्निंग वॉक। मयंक मॉर्निंग वॉक के लिए 6:15 AM पर जाता है और वापस 7:45 AM पर आ जाता है, तो कितने टाइम वो मॉर्निंग वॉक करता है। देखो इसमें ही स्पेंड टोटल टाइम ऑन मॉर्निंग वॉक, नाउ 7:15 AM से लेकर के 7 AM तक 45 मिनट्स होते हैं, फिर 7 AM से 7:45 AM तक 45 मिनट्स होते हैं, हम इनको प्लस कर लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा जितना टाइम वो मॉर्निंग वॉक करता है। ही स्पेंड टोटल टाइम ऑन मॉर्निंग वॉक 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स 90 मिनट्स होते हैं, 90 मिनट्स को लिख सकते हैं 1 hour 30 minutes, वो मयंक 1 hour 30 minutes मॉर्निंग वॉक करता है। नाउ कम टू द एट सम, फाइंड द इंटरवल बिटवीन 8:30 AM एंड 16:55 hours, ये AM, ये 12 hour क्लॉक टाइम में दिया हुआ है और ये 24 hour क्लॉक टाइम में टाइम दिया हुआ है इसमें ये। नाउ इसको देखो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट 12 hour क्लॉक टाइम इंटू 24 hour क्लॉक टाइम, 8:30 AM को हम लिख सकते हैं 08:30 hours, टाइम इंटरवल बिटवीन 8:30 hours एंड 16:55 hours, इनके बीच में टाइम इंटरवल निकाल लेंगे। अब देखो 8:30 hours से लेकर के 9 hours तक कितना टाइम होता है 30 मिनट्स, अब 9 hours से 16:00 hours तक 7 hours हो जाते हैं और 16 hours से 16:55 hours तक 55 मिनट्स होते हैं इसमें ये। अब इन तीनों टाइम को हम प्लस कर देंगे तो टाइम इंटरवल आ जाएगा, टोटल टाइम इंटरवल आ जाएगा इसमें 30 मिनट्स प्लस 7 hours प्लस 55 मिनट्स, हम इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 hours 25 minutes, टोटल टाइम इंटरवल ये आ गया हमारा 8 hours 25 minutes। नाउ कम टू द नाइन्थ सम, मिस्टर शर्मा रीचेज हिज ऑफिस एट 9:30 AM एंड लीव एट 5:45 PM, हाउ लॉन्ग डज ही स्टे इन द ऑफिस। मिस्टर शर्मा जो है अपने ऑफिस 9:30 AM पर जाते हैं और 5:45 PM पर वापस आ जाते हैं, तो ऑफिस में कितने टाइम तक रहते हैं इसमें देखो ये। अब देखो इसमें 9:30 AM से 10 AM तक कितने मिनट्स होते हैं 30 मिनट्स, 10 AM से 5 PM तक कितना टाइम होता है 7 hours और 5 PM से 5:45 PM तक कितने मिनट होते हैं 45 मिनट्स, हम इन ये जो टाइम दिया हुआ है इसको हम प्लस कर लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा इसका वो स्टे ऑफिस में जितने टाइम तक ऑफिस में स्टे करते हैं रहते हैं। जैसे देखो ये 30 मिनट्स प्लस 7 hours प्लस 45 मिनट्स इज इक्वल टू 7 hours 75 minutes आ गया, ये इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम 8 hours 15 minutes। नाउ कम टू द टेंथ सम,
जूही लेफ्ट हर होम एट 8:30 AM शी केम बैक एट 2:15 PM हाउ लॉन्ग वाज शी अवे फ्रॉम द हाउस। जूही अपने घर से 8:30 AM पर जाती है और वापस 2:15 PM पर आ जाती है, तो बताओ अपने घर से कितनी देर तक, कितना टाइम लगा उसको अपने घर से बाहर रही वो। देखो इसमें, अब इसमें 8:30 AM से लेकर के 9 AM तक 30 मिनट्स होते हैं, 9 AM से 2 PM तक 5 आवर्स होते हैं और 2 PM से 2:15 PM तक 15 मिनट्स होते हैं। मतलब 8:30 से 2:15 PM तक टोटल टाइम निकालना है, तो हम इनको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। शी वाज अवे फ्रॉम द होम, अपने घर से कितने टाइम तक बाहर रही वो, 30 मिनट्स प्लस 5 आवर्स प्लस 15 मिनट्स, ये आ गया 5 आवर 45 मिनट्स तक अपने घर से बाहर रहती है वो। थैंक यू वेरी मच।